मजा आ गया यार, न्यूज़ चीजों का भी 100 रुपये मिलते हैं, बताओ। हे गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। ऑब्वियसली आपको मंडे मिल रहा होगा वीडियो, क्योंकि ये शूट हो रहा है संडे। और मैंने लिटरली कल सोच के रखा था बहुत कुछ करना है, आज संडे है जो कि, और फ्री टाइम है तो घर का पूरा सेटअप करना है। 2 हफ्ते से ऑलमोस्ट मैंने कपड़े नहीं धोए थे जस्ट बिकॉज ऑफ वॉशिंग मशीन। मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखा था, मतलब ख़राब इन द सेंस, इन द मतलब क्या कहते हैं, सेट नहीं हो पाया था आने के बाद से यहाँ पे। तो फाइनली ये हो गया है, इतने कपड़े ढेर सारे। अब साला दिक्कत ये है कि कपड़े तो मैं धो दूंगा लेकिन सुखाऊंगा कहाँ, कुछ है ही नहीं, तो वो भी मुझे लाने जाना है। लेकिन पहले ये डाल दूँ, बाहर गजब धूप आई है। और जैसा कि कल मैंने बोला था कि मैं बाहर बेड सेट कर लूँगा, वैसे ही मैंने बेड सेट भी कर लिया है बाहर। तो चलो मैं एक झलक दिखा ही देता हूँ आप लोगों को ना। ये देखो, मैंने चेयर्स को हटा दिया है और बेड भी लगा दिया है यहाँ पे। कल रात को आराम से मैच देख रहा था मैं यहाँ पे सोए सोए, ठीक है। और बाहर आ रहा है यार गजब का धूप। चलो एक नज़ारा बाहर का भी दिखा देता हूँ, धूप देख कर तो मज़ा आ गया। आज बड़े दिन बाद इतनी प्यारी धूप आई है, ये देखो। और ये पेटी अभी क्लियर करना था, कबाड़ी वाले को देना था। इतने सारे पेटी हो गए हैं, लेकिन मैं इतना जल्दी उठा हूँ नींद से, इतना जल्दी जागा हूँ ना आज, मतलब क्या ही बोलो। सब मेरे लिए वेट कर, गार्बेज पूरा पड़ा हुआ है ऐसे ही, मतलब क्या बोलूँ यार। अभी बज रहा है 10 सुबह का जब मैं उठा हूँ, और मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी ख़त्म करना है सब। और मेरा हालत ये है, सुबह 10 बजे उठ रहा हूँ, पहले तो फटाफट मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े चढ़ा देता हूँ, नहीं तो धूप ज़्यादा देर रहने नहीं वाला है ऐसे, कब बिगड़ जाए मौसम क्या पता। चलो तो ये देखो, मेरा वॉशिंग मशीन हो गया है स्टार्ट, और ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है विंटर के लिए, क्योंकि मेरा तो बच गया था 2 हफ्ते से बैंड। इतना तो स्टॉक है नहीं कपड़ों का जो 2 हफ्ते के बाद भी झेल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ता झेल पाता मैं। और आज गेस्ट रूम की हाल भी ठीक करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, घर का सब कुछ ठीक करना है मुझे, पता नहीं कैसे होगा 10 बजे उठने के बाद। और हेयर कटिंग में भी जाना है सलो मतलब नहीं हो पाएगा, लिटरली नहीं हो पाएगा इतना कुछ है। ये देखो पूरा फैला हुआ है इस रूम में अभी भी ये, तो कोशिश करता हूँ कि जितनी हो सके यहाँ पे करने की। चलो लग जाता हूँ अभी से, पहले फ्रेश हो जाऊँ और कुछ खा लूँ, खाना भी खाना है यार, बताओ। आप कितना भी जल्दी कर लो, विंटर्स के साथ मतलब टाइम का पंगा लेना यार बहुत दुश्वार काम है। साला ये सब फ्रेश होते होते पता नहीं 10:45 कैसे बज गया, और मेरा तो लग गया है अब 10:45, मतलब दोपहर होने वाला है थोड़ी देर में। और मेरा कुछ नहीं हुआ है, बस कपड़े धोने के लिए डाल दिया है, पेटी वगैरह घर से क्लियर कर दिया है। अभी वो शॉर्ट तो आज हो नहीं पाएगा, देखता हूँ कुछ खाना वाना बनाने का भी सोच लेता हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप, चाय तक नहीं पिया, अगर मार्केट में जाऊँगा अभी कुछ मुझे कपड़े टांगने के लिए वो चाहिए, तो कुछ मिलेगा चाय वाय तो मैं वही पी लूँगा, बस की नहीं है अब। चलो फटाक से चलते मार्केट। मैं घर से निकलने ही जा रहा था लेकिन मुझे दिख गया कूड़ा वाला, मतलब कबाड़ी, कूड़ा नहीं कबाड़ी। तो पेटी फेटी सब बेचना था तो मैंने फटाक से बुला लिया, तो वो लोग आ रहे हैं अभी और ये सब उठा के ले जाएंगे। वाह जान छूटी मेरी, बच गया। चलो दिखाता हूँ। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया है अपना काम, इन पेटियों को तोड़ मड़ोड़ के रैप करके अपने हिसाब से ये ले जाएंगे, और मेरा पल्ला छूट जाएगा इससे। चलो देखते हैं कितना क्लियर होता है। आई डोंट थिंक कि ये जो थर्मोकॉल्स वगैरह है ये सब ले जाएंगे ये लोग, चलो देखते हैं, जितना भी हो पाए उतना ही सही, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट क्लियर हो। रूम के सामने बहुत वाहियात लगता है ऐसे, तो चलो देखते हैं। और ये देखो हो गया है साफ, ये 2 बचे हैं ये वो लोग नहीं लिए, इसको मुझे कूड़े वाले को देना है और इसका सफाई भी करना है। और गैस करो मैं कितने रुपए का कबाड़ बेचाऊँ सुबह सुबह 100 रुपए का, 100 रुपए का कबाड़ बेचाऊँ जिंदगी में पहली बार, मज़ा आ गया यार, न्यूज़ चीज़ों का भी 100 रुपये मिलते हैं, बताओ। तो आ गया मैं मेन रोड पे, गली से बाहर, जज फार्म से बाहर, और वहाँ पे एक टपरी दिख रही है मुझे
शायद वहाँ पे लोग खा भी रहे, तो मुझे चाय और खाना भी मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं उस तरफ। और साथ में पराठा, राजमा और एक सब्जी। फाइनली मैं आ गया बाजार से और होके नहा धो के हो गया फ्रेश, क्योंकि मेरे कपड़े भी धुल गए, बाहर टांग भी दिए, साफ सफाई सब कर दी। चलो एक बार बाहर का नजारा दिखा देता हूँ। और बहुत बड़ा टास्क निकला आज, बहुत बड़ा। तो ये देखो बाहर का हो गया है खत्म, पूरा क्लीन, और कपड़े भी मैंने सूखने को दे दिए। तो चलो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नया ब्लॉग के साथ सुबह 8 बजे। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम लोग रोज सुबह 8 बजे मिलने वाले हैं। और हैव ए नाइस डे गाइज़।